लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराने स्टोर फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rashansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद लेबर कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पुल का उद्घाटन करने पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा। बता दें, सदर विधायक मनीष असीजा भूले सोशल डिस्टेंस। लॉकडाउन में काफी भीड़ के साथ किया पुल का उद्घाटन, काफी लोगों के साथ किया पैदल मार्च और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं के विधायक सोशल डिस्टेंस का पालन करते बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल हम बात फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा की कर रहे हैं। कहने को तो ये जनता की मदद के लिए हर कोशिश हर समय उनका कार्य कराने में तैयार रहते हैं, लेकिन अगर बात कोरोना काल की जाए तो आज लेबर कॉलोनी स्थित बने रेलवे क्रॉसिंग पुल का जब ये उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन ना करते हुए पुल का उद्घाटन लॉकडाउन में काफी लोगों को साथ लेकर किया। यहाँ तक कि भीड़ के साथ एक पैदल मार्च भी निकाला, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर कई जिलों में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे भी सुधार नजर आए, लेकिन उनके विधायक पुल के उद्घाटन की खुशी में इतने खो चुके हैं कि वे सोशल डिस्टेंस ही भूल गए और वे ये भी भूल गए कि फिरोजाबाद में प्रतिदिन 100 से ऊपर मरीज कोरोना के निकल रहे हैं। आखिरकार सरकार के ये विधायक ही इतनी लापरवाही करते नजर आएंगे तो कैसे इन बीमारी पर लगाम लग सकेगी। आपके साथ तो हजारों और करोड़ लोगों की दुआएं। मैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम, माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। कोरोना पैंडमिक के इस दौर में मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि मास्क के बिना ना रहें, बार बार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। इस मौके पर मुझे एक वाकया याद आता है कि एक वक्त एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वफ्द के तमाम मेंबरान एक एक करके नबी पाक से मुसाफा कर रहे थे। एक शख्स को बर्स का मर्ज था, वो आगे की तरफ बढ़े, नबी पाक ने उन्हें वहीं रोक दिया और आपने फरमाया कि मैंने आपका मुसाफा कबूल कर लिया। ये वाकया ये साबित करता है कि ऐसी बीमारियां जो संक्रामक हैं हमें उनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। इस मौके पर मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो बीमार हैं या जिनके लवाहिकीन में से कोई इस दारिफानी से कूच कर गया है, उनके हक़ में ज़रूर दुआ करें। ईद की खुशियां आपको मुबारक हो, लेकिन इन लोगों को भी फरामोश ना करें।